पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज्यादा उगाई करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये? और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में ये जाके धक्के खाते रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहेगा, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब परिवार मजबूर होके ऐसे किसी साहूकारों के हाथ में जाएगा और उनसे जब वो पैसा लेगा तो उसके बाद उम्र भर की गुलामी वो अपनी लिखवा देते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में आज इतने दशक बीत जाने के बावजूद वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कौन जिम्मेदार है भैया? ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी ना, कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। अगर इतने साहूकार अगर उत्पन्न हो गए हैं जो कहीं ना कहीं गुंडा राज लेकर आए हुए हैं कि हम पैसा तो देंगे आपको क्योंकि आपकी जरूरत है, और मजबूरी वर्ष इंसान पैसा उनसे लेगा भी, पर उसके बाद उस पैसे को वापस लेने के लिए एकदम गुंडा गर्दी, खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए छोटी छोटी बच्चियां परिवार की, अगर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया एक साथ, और भाई दुख इस बात का होता है कि ये उन बड़ी घटनाओं में से है जो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पूरे परिवार ने एक साथ आत्मदाह की। इसीलिए आज मीडिया के साथ ही आप सब लोग भी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। पर उन घटनाओं का क्या जो आए दिन बिहार के किसी ना किसी जिले में हो रही हैं, और शायद वो सुर्खियां भी नहीं बनती। कोई एक आदमी लाचार होके परेशान होके अकेले जाके आत्मदाह कर लेता, और उसके बाद उदासीन रवैया देखिए, परिवार के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा। एक बच्ची लंबे समय तक वो जीवित थी, उनके भाई उनकी बहन जो दिल्ली में रहते उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत कर रही थी, एक उनके साथी जो यहीं पे थे रुद्र, उनके साथ वो संपर्क में थी, उनको ढंग से इलाज ना मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। सोचिए, एक तो परिवार वैसे ही इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें से जिनको बचाया जा सकता था उनको तक बचाने का प्रयास नहीं किया गया, और उसके बाद सिर्फ लीपा पोती की जा रही है इस विषय को लेकर। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, और क्यों नहीं एक मिसाल के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर इस विषय को सामने रखा जाता है कि भैया भविष्य में अगर कोई ऐसा करेगा, कोई अगर किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करेगा, तो भैया ये हर्ष होगा।